नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर मनोविज्ञान क्लास 4। गत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या सहित विश्लेषण, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीटेट, डीट, एचटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, डीएसएसवी, केवीएस सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। स्टार्ट करते हैं। अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है दमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण, प्रतिक्रिया निर्माण। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, युक्तिकरण। क्या है? युक्तिकरण। अंगूर खट्टे हैं, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं यानी पेड़ के ऊपर से उसे पकड़ में नहीं आते हैं तो ऐसे बोलती है अंगूर खट्टे हैं, तो इसे युक्तिकरण कहते हैं। तर्क संगतिकरण, युक्तिकरण, इसमें अस्वीकार्य या अविवेकपूर्ण व्यवहार के लिए तर्कपूर्ण कारण बताया जाता है, यानी तर्कपूर्ण कार्य बताया जाता है। लोमड़ी के हाथ अंगूर न लगने पर अंगूर को खट्टे बताती है, तो यह एक तर्कपूर्ण कार्य है, इसे युक्तिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, बालक के कुसमायोजन से तात्पर्य है कुसमायोजन। एक समायोजन होता है और एक कुसमायोजन होता है, तो साधारण सी समस्या आने पर मानसिक संतुलन खो देना, पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, मानसिक द्वंद्व का कुंठाग्रस्त होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी कारण हैं, कुछ समायोजन के तात्पर्य है। कुसमायोजन, बालक अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाता, यानी वातावरण के अनुकूल नहीं डाल पाता है, साधारण सी समस्या आने पर मानसिक संतुलन खो देता है, मानसिक द्वंद्व एवं कुंठा से ग्रसित होता है। नेक्स्ट है, बालक अंतर्बोध परीक्षण में मापन किया जाता है, यानी जो बालक अंतर्बोध परीक्षण में मापन किया जाता है बुद्धि का, समायोजन का, अधिगम का, व्यक्तित्व का, जो अंतर्बोध है, बालक अंतर्बोध परीक्षण यानी एक परीक्षण का नाम है, इसमें किसका मापन किया जाता है? तो इसमें मापन किया जाता है व्यक्तित्व का। किसका मापन किया जाता है? व्यक्तित्व मापन की एक विधि है बालक अंतर्बोध परीक्षण, इसे आप सीएटी के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण 1948 में लियोपोल्ड बेलक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लियोपोल्ड बेलक द्वारा। यह व्यक्तित्व मापने की एक प्रक्षेपण विधि है। कौन सी विधि है? प्रक्षेपण विधि। यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बच्चों पर किया जाता है। इसमें कुल 10 कार्ड का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका प्रयोग किया जाता है 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, और इसमें कुल कार्ड होते हैं 10। पशु पक्षियों को मानव के रूप में व्यवहार करते हुए दिखाया गया। इन कार्डों में को बालकों को दिखाकर उनसे संबंधित कहानी पूछी जाती है। इसका परीक्षण है, इसमें पशु पक्षियों को मानव के रूप में व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, जो 10 कार्ड है उनमें। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? क्या पूछा गया? लक्षण नहीं है मानसिक स्वास्थ्य का। आत्मविश्वास, अनुकूलन, सहनशीलता, अपरिपक्वता। तो इसमें क्या नहीं है? इसमें अपरिपक्वता नहीं है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अनुकूलन, सहनशीलता, आशावादी, ध्यान केंद्रित होना, निर्णय लेने में अच्छी क्षमता, यानी निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसे एक मानसिक स्वास्थ्य संतुलन होता है। लेकिन इसमें पूछा गया था नहीं है, तो इनमें 3 है, आत्मविश्वास, अनुकूलन, सहनशीलता, लेकिन अपरिपक्व इसका लक्षण नहीं है मानसिक स्वास्थ्य का। नेक्स्ट है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है किस वर्ष लागू किया गया? तो यह लागू किया गया 2016 में। कब लागू किया गया? 2016 में लागू किया गया, और इसमें 21 विकलांगताओं यानी कितनी विकलांगताओं के बारे में बताया गया? 21 विकलांगताओं के बारे में बताया गया। 21 तरह की दिव्यांग, यानी यह पहले विकलांग के नाम से जाना जाता था, अब इसे दिव्यांग के नाम से जाना जाता है। एक व्यक्ति जो दृष्टिबाधित, श्रव्य, क्षीणता, बहादुर, बौनापन आदि से ग्रसित होता है उसे दिव्यांगजन कहते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू किया गया। इसके तहत दिव्यांग लोगों को समुचित सरकार द्वारा उसके अधिकारों का संरक्षण करना है, यानी समुचित सरकार द्वारा उसके अधिकारों को संरक्षण देना है। नेक्स्ट है, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त यानी सभी मिलते जुलते, लेकिन सर्वाधिक सबसे अच्छा उपयुक्त अर्थ कौन सा है अधिगम का? लर्निंग का। कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार परिमार्जन और समायोजन। तो अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा व्यवहार परिमार्जन, यानी व्यवहार में परिवर्तन।
अधिगम उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो अनुभवों के कारण हमारे व्यवहार में स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। सोरटेन के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार दैनिक जीवन में होने वाले नए नए अनुभवों के द्वारा हमारे व्यवहार में आने वाली स्थायी परिवर्तन अधिगम होता है। क्या होता है? स्थायी परिवर्तन ही अधिगम होता है। रुचि होती है, रुचि एग्जाम में आया भी था एक क्वेश्चन, जन्मजात अर्जित, जन्मजात एवं अर्जित दोनों, जन्मजात एवं अर्जित दोनों नहीं। तो रुचि, रुचि क्या है? रुचि एक अर्जित है। क्या है? जन्मजात एवं अर्जित है। रुचि जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। रुचि उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य का व्यवहार के प्रति विशेष आकर्षित होता है। किसी वस्तु व्यक्ति क्रिया के प्रति होने वाला आकर्षण ही रुचि कहलाता है। रुचि जन्मजात व अर्जित दोनों प्रकार की होती है। गोपाल जो कार चलाना जानता है अब बस चलाना सीख रहा है, यह होगा, यानी जो गोपाल जो कार चलाना जानता है अब बस चलाना सीख रहा है, तो क्षैतिज अधिगमंत्रण, सकारात्मक अधिगमंत्रण, पार्श्विक अधिगमंत्रण और कर्मिक अधिगमंत्रण, तो कौन सा होगा? यह होगा सकारात्मक अधिगम अंतरण। कौन सा होगा? यानी सकारात्मक अधिगम अंतरण कैसे होगा कि एक क्रिया में किया गया कार्य दूसरी क्रिया में सहायक होता है तो उसे सकारात्मक कहते हैं, और उसका प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ता है तो उसे शून्य अधिगम अंतरण कहते हैं, और उसका प्रभाव, गलत प्रभाव पड़ता है तो उसे ऋणात्मक अधिगम अंतरण कहते हैं, यानी नकारात्मक अधिगम अंतरण। यह व्यक्ति या बालक पहली परिस्थिति में जो ज्ञान या अनुभव प्राप्त करता है उस ज्ञान का अनुभव का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना अधिगम अंतरण कहलाता है। जब पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ज्ञान के समय सहयोग करता है तो होने वाले अधिगम का अंतरण सकारात्मक अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे गोपाल जो कार चलाने के बाद बस चलाना सीख रहा है, यह सकारात्मक अधिगम अंतरण होगा। नेक्स्ट है, अधिगम के 8 प्रकारों का वर्णित किया, यानी अधिगम के 8 प्रकारों को वर्णित किया, किसके द्वारा वर्णित किया गया था अधिगम के 8 प्रकारों को? तो यह वर्णित किया गया था रोबोट एम गेने के द्वारा। किसके द्वारा? रोबोट एम गेने के द्वारा अधिगम के 8 प्रकारों को वर्णित किया गया। रोबोट एम गेने के अधिगम के 8 प्रकारों में 1 से लेकर 4 तक के अधिगम निम्न श्रेणी में आते हैं, यानी इन्होंने 8 प्रकार बताए थे उसमें 1 से 4 वह निम्न श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनमें तर्क व चिंतन नहीं पाया जाता है, और 5 से 8 तक के अधिगम उच्च श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनमें तर्क व चिंतन पाया जाता है। तो तर्क व चिंतन रोबोट गेने के अधिगम के 8 प्रकारों में किन किन में पाया जाता है? तो 5 से 8 में पाया जाता है। नेक्स्ट है, बालक विद्यालय से घर पहुंचते ही सबसे पहले अपना होमवर्क पूरा करता है, फिर उसके बाद खेलने के लिए जाता है, यह बालक का व्यवहार है। यानी विद्यालय से घर पहुंचने से पहले होमवर्क पूरा करता है और फिर उसके बाद खेलने जाता है, तो यह बालक का कौन सा व्यवहार है? क्रिया प्रसूत, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रयास एवं त्रुटि, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? यह शास्त्रीय अनुबंधन होगा। कौन सा होगा? शास्त्रीय अनुबंधन। बालक विद्यालय से घर पहुंचते ही सबसे पहले अपना होमवर्क पूरा करता है और फिर उसके बाद खेलने के लिए जाता है, यह बालक का व्यवहार शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। किस पर? शास्त्रीय अनुबंधन पर। और इनके प्रस्तुतकर्ता है इवान पेट्रोविच पावलोव, जो आप पावलोव है उनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत दिया था पावलोव ने। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, अभिप्रेरणा या चिंतन? तो किस पर देता है? यह देता है व्यवहार पर। किस पे देता है? व्यवहार पर, क्योंकि ये सिद्धांत व्यवहारवादियों ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया। रूस के शरीर क्रियाशास्त्री फिजिशियन थे, विशेषकर पाचन क्रिया से संबंधित, यानी पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था जो घंटी बजने पर लाल निकलती थी। नेक्स्ट है, अधिगम निर्योगता का लक्षण है, अधिगम निर्योगता, योग्यता और निर्योगता, तो निर्योगता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान, विध्वंस होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। तो अधिगम निर्योगता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा या विकार। अधिगम आसक्तता से बालक को सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने तथा गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है। अधिगम निर्योगता के निम्न लक्षण होते हैं,
स्थान व समय के बोध में कठिनाई, अक्षरों शब्दों तथा वाक्यों को लिखने पढ़ने तथा बोलने में कठिनाई। व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि में तीन बहुरंगी कार्डों का उपयोग होता है? तो व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि में तीन अलग अलग रंगों के कार्डों का उपयोग होता है? शाही धब्बा परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण, कहानी पूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शाही धब्बा परीक्षण। किसकी है? रोसा की। किसकी है? रोसा ने दिया था शाही धब्बा परीक्षण। शाही धब्बा परीक्षण हरमन रोसार्क, किसने दिया था? हरमन रोसार्क, 1921 में दिया था। इसमें कुल कार्ड होते हैं 10। शाही धब्बा परीक्षण में कार्ड कितने होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट, यानी 5 कार्डों में ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, और 2 कार्ड ब्लैक रेड एंड व्हाइट होते हैं, और 3 कार्ड बहुरंगी होते हैं, यानी इसमें अनेक रंग होते हैं। तो कुल कार्ड कितने होते हैं शाही धब्बा परीक्षण में? 10 कार्ड होते हैं। किसके द्वारा दिया गया? रोसार के द्वारा। और किसकी विधि है? व्यक्तित्व परीक्षण की विधि है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है गतिशीलता, समायोजन शक्ति, उच्च आकांक्षा स्तर, असामाजिकता। तो व्यक्तित्व विशेषता नहीं है, संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं है? तो यह नहीं है असामाजिकता। क्या नहीं है? असामाजिकता। व्यक्तित्व हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की स्थितियों के प्रति अनुकूल करने में सहायता करता है। संगठित व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्न है, गतिशीलता होनी चाहिए, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, समायोजन एडजस्टमेंट होना चाहिए, उच्च आकांक्षाएं होनी चाहिए, उच्च अनुकूल क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक शिक्षक के रूप में आपका व्यक्तित्व होना आवश्यक है। अगर आपका आप एक शिक्षक बन जाते हो तो आपका व्यक्तित्व होना आवश्यक है, यानी एक शिक्षक के रूप में आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, विशेष प्रभावशाली होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। तो इसमें आपको सभी होना चाहिए, यानी आकर्षण भी होना चाहिए, बच्चे आपके प्रति आकर्षण हो, आपकी क्लास में बैठकर अच्छी तरह पढ़े, सामाजिक हो, विशेष प्रभावशाली सभी होने चाहिए। भग्नाशा और मानसिक द्वंद के कारक हैं, यानी फैक्टर, भग्नाशा और मानसिक द्वंद के, तो जैविक एवं भौतिक कारक, सामाजिक कारक, उक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों ही हैं, भग्नाशा और मानसिक द्वंद के कारक, जैविक एवं भौतिक कारक, सामाजिक कारक। द्वंद कॉम्प्लिकेट, जब एक व्यक्ति दो अलग परिस्थितियों में उलझ जाता है अथवा दो रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना होता है। कई बार आप द्वंद में पड़ जाते हैं, आपके पास जैसे दो एग्जाम आ गई किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की, जैसे एक NTPC की आ गई या ग्रुप डी की आ गई या और किसी की आ गई, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी तैयारी करें या इसकी तैयारी करें, तो उसे ही द्वंद कहते हैं, भग्नाशा। और भग्नाशा किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य होने का पूरा भरोसा होता है परंतु एक वक्त पर आकर भरोसा टूट जाता है। अगर आप किसी भी कार्य को करने के लिए पहले से आपको भरोसा है लेकिन आपका भरोसा टूट जाता है तो इसे भग्नाशा कहते हैं। इसमें व्यक्ति कुंठित हो जाता है और कुंठित व्यक्ति के पागल होने की स्थितियां हो जाती हैं। टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि की गणना कब की गई थी? टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि की गणना कब की गई थी? तो यह की गई थी, कब की गई थी? 1916 में। कब की गई थी? टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि की गणना 1916 में की गई थी। 1912 में विलियम स्टर्न ने सूत्र दिया, यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र कब दिया था? 1912 में विलियम स्टर्न ने दिया था, मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु × 100। यह सूत्र अपूर्ण था, यानी यह सूत्र दिया जो अपूर्ण था। फिर 1916 में विलियम टर्मन ने बुद्धि लब्धि शब्द दिया और निम्न सूत्र प्रतिपादित किया, यानी बुद्धि लब्धि शब्द किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। कब दिया था? 1916 में। और विलियम टर्मन द्वारा 1916 में दी गई बुद्धि लब्धि सारणी है, तो यानी यह सारणी दी गई है आपको, 140 या इससे अधिक होगी आपकी IQ तो प्रतिभाशाली, और 120 से 139 प्रखर बुद्धि, यानी प्रतिभाशाली से थोड़ा कम, और 110 से 119 तिरुबुद्धि होगी, और जो 90 से 109 सामान्य बुद्धि, यानी अधिकतर व्यक्ति सामान्य बुद्धि के पाए जाते हैं, और 80 से 89 मंद बुद्धि, और 70 से 89 निर्बल बुद्धि, और 50 से 69 मूर्ख, और 25 से 49 महामूर्ख मूड, और 25 से कम जड़ बुद्धि। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जड़ बुद्धि
कि बुद्धि लब्धि आईक्यू कितनी होती है, तो इनकी आईक्यू होती है 25 से कम, और मंद बुद्धि की 70 से कम भी आई। नेक्स्ट है, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंद बुद्धि बालक कहते हैं, यह कथन किसका है? दोस्तों, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंद बुद्धि बालक कहते हैं, यह कथन किसने कहा? तो यह कहा था क्रो एंड क्रो। दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने, किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। दोस्तों, क्रो एंड क्रो एक पति पत्नी थे, यानी एक पति था और एक पत्नी था, तो क्रो एंड क्रो दो व्यक्ति थे। क्रो एंड क्रो के अनुसार 130 या अधिक बुद्धि लब्धि वाले प्रतिभाशाली एवं 70 से कम वाले मंद बुद्धि होते हैं। टर्मन के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 मापी जाती है। तो दोस्तों, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बुद्धि लब्धि टेबल दी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं है। तो सृजनशील किसी भी कला में मौलिकता होती है, सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, सृजनशीलता किसी किए गए काम का एक नया परिणाम होता है, सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सृजनशील किसी भी कला में मौलिकता होती है, राइट है। सृजनशील के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, सृजनशील के लिए चिंतन आवश्यक है। तो दोस्तों, ये भी राइट होगा, यानी कि आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन वैसे अपना आंसर राइट ये होगा। अगर इसमें नहीं को हटाते हैं तो ये भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सृजनशील के लिए, सृजनशील किसी किए गए काम पर एक नया परिणाम होता है, सृजनशील में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराधी बालक के बारे में सत्य नहीं है, यानी बाल अपराधी बालक के बारे में सत्य कथन नहीं है? बाल अपराधी बालक का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है, बाल अपराधी बालक में दोष की भावना कम होती है, बाल अपराधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं, बाल अपराधी बालक तोड़फोड़ करने वाला होता है। तो बालक के लिए सत्य कथन नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? बाल अपराधी बालक दोष की भावना कम होती है। तो बाल अपराधी बालक में दोष की भावना खूब होती है। दोस्तों, एनसीएफ 2005 का ध्येय वाक्य है, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का ध्येय वाक्य है, ताबड़तोड़ शिक्षा, बोझ वाली शिक्षा, शिक्षा बिना बोझ की, शिक्षा घर बाहर की। तो शिक्षा बिना बोझ की कौन सा ध्येय वाक्य है? शिक्षा बिना बोझ की। एनसीएफ 2005 अब तक नवीनतम राष्ट्रीय शैक्षिक दस्तावेज को लर्निंग विदाउट वन, बिना बोझ के अधिगम को आधार माना है। तो क्या है? बिना बोझ के अधिगम। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय के यांत्रिक वातावरण को प्रजातांत्रिक बनाना, अचानक आने वाली समस्याओं का समाधान प्राप्त करना, शिक्षण समस्या को दूर करना या उपरोक्त सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य निम्न है, यानी विद्यालय में संगठनात्मक ढांचे अर्थात उसमें नियुक्त समस्त कर्मिकों के मध्य समन्वय तथा सौहार्दपूर्ण संबंधों का विकास करना, विद्यालय में परंपरागत एवं जटिल एवं यांत्रिक वातावरण को दूर करके प्रजातांत्रिक वातावरण तैयार करना, विद्यालय में अध्ययनरत बालकों की व्यवहारिक समस्याओं को समझना तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन लाना, रोचक एवं उपयोगी क्रियाकलापों का आयोजन करना। यह क्रियात्मक अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं आपको। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा को संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष समवर्ती सूची में डाला गया, यानी समवर्ती सूची में डाला गया शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा? तो यह डाला गया था संविधान संशोधन 1976। कौन सा संविधान संशोधन? 1976 में। बाल अपराध का कारण है, बाल अपराध का कारण है माता पिता के अनभय कले रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार के आपस की सहमति से खड़े होना, समृद्ध परिवार होना। तो बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन या कले रहना। बाल अपराध का कारण आनुवंशिक कारण, शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, सामाजिक कारण, परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण। नेक्स्ट है, बच्चे जैसा व्यवहार करना उदाहरण है, बच्चों जैसा व्यवहार करना उदाहरण है युक्तिकरण का, प्रक्षेपण का, प्रतिगमन का, बचपन का।
यह उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, क्या है, प्रतिगमन का, यानी अपनी पुरानी भावनाओं में खोना, यानी बचपन की यादों में जाना, बच्चों जैसा व्यवहार करना। जब व्यक्ति किसी गम या अवसाद में होता है तो वह व्यक्ति भूतकाल में जाकर कोई ऐसा व्यवहार करता है कि मानसिक शांति प्राप्त हो जाती है। जैसे एक युवक अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाने पर माँ के पास जाकर रोने लगना, तो बच्चा जब छोटा था तब किसी दोस्तों से झगड़ा हो जाता तो अपनी माँ के पास जाके रोने लग जाता। वैसे ही प्रतिगमन यानी पिछली भावनाओं में खोना, पुरानी भावनाओं में खोना, बाल्यावस्था के प्रति द्वंद्वात्मक समाजीकरण है। यह कथन किसका है? तो हरलोक का, कोल्सनिक का, किलपैट्रिक का या रोस का? तो यह कथन है रोस का। किसका है? कोल्सनिक का। बाल्यावस्था को किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा क्योंकि वह पूर्ण सामाजिक न होकर सामाजिकता की दिशा में आगे बढ़ा। तो किसने कहा था? किलपैट्रिक ने। कौन सा एक औपचारिक अधिगम है? औपचारिक अधिगम, औपचारिक अधिगम वह होता है जो विद्यालय में किया जाता है, और अनौपचारिक जो कहीं पे भी किया जाता है। हर्ष नियमित रूप से विद्यालय में सीखता है, पूजा रविवार एवं पास पड़ोस में वातावरण में सीखती है, नीलिमा पिताजी के पास बैठकर पढ़ती है, राकेश अपने दोस्त की कॉपी से नकल करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ष नियमित रूप से विद्यालय में सीखता है। दोस्तों औपचारिक का मतलब विद्यालय से संबंध होगा, आप ध्यान रखना, इसमें विद्यालय से संबंधित एक ही शब्द है, देख लो आप। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें पूछा गया नहीं है, तो नहीं है मतलब उसे दंडित करना चाहिए। दोस्तों दंडित नहीं करना चाहिए। सीखने के पठार का अर्थ है सीखने के प्रति गति में रुकावट आना। सीखने के पठार के निराकरण के लिए सीखने वाले को प्रेरित तथा प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि तथा सीखने में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करना चाहिए। नेक्स्ट है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो किस पर निर्भर करती है? व्यक्तिगत भिन्नता पर। सीखने की योग्यता व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। व्यक्तिगत भिन्नता समाज में जितने भी बालक हैं सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्नता हैं। तो सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है? व्यक्तिगत भिन्नता पर। किसी बालकों में बुद्धि जन्म से होती है, माता पिताओं से मिलती है आनुवंशिक रूप से। अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधन उद्दीपक की अनुपस्थिति किए जाने पर अंतत्वगत्वा अनुबंधित अनुक्रम बंद हो जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है विलोपन। क्या कहलाता है? विलोपन। विलोपन अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार किसी अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रम बंद हो जाना ही विलोपन कहलाता है।